हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल रात को हम तकरीबन 11-12 बजे फारग हो गए थे पार्टी से। तो फिर कल आके मैंने जो ब्लॉग था वो करवा लिया, वो एडिट किया। तो आधा एडिट किया, तकरीबन 2 बजे तक मैं एडिटिंग करता रहा। तो फिर मुझे नींद आ गई, तो मैं जाके सो गया। तो अभी तकरीबन 10-11 बजे उठा हूँ, तो फिर दोबारा ब्लॉग एडिट हो गया। अभी रेंडरिंग हो रही है, तो वो भी होने वाली है। तो अभी तकरीबन 1 बज गया, तो रेंडरिंग हो रही है। तो मैं अभी यूट्यूब चला रहा था। आज का प्रोग्राम क्या है अभी अब मुझे कुछ भी नहीं पता, तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो जैसे जैसे होगा तो आपको आज भी दिखाएंगे कि आज का दिन जो है हमारा कैसा गुजरा है। अभी मैं गाड़ी सिटी करके लगाने लगा हूँ, तो कल भाई ने लगा दी थी, तो उस तरफ से काफी ज्यादा स्पेस है, इस तरफ से भी कम स्पेस है, तो बाइक यहाँ पे नहीं आ सकती। अभी सारी बाइक गई हुई, तो मैं सोचा बाइक गाड़ी निकाल के जैसे मैं लगाता हूँ वैसे लगा दूँ। अभी अभी जी शाम के बज चुके हैं, तकरीबन 5:45 हो चुके हैं। तो मैं बाइक निकल आया, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए आपको नहीं दिखा सका कि क्या किया आज क्या नहीं किया। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन रहा है। तो अभी फ़र्क हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज बाइक राइड ही कर रहे हैं। तो अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और मैंने जैकेट वगैरह पहनी नहीं हुई। एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं ठीक आ रहा है, तो देख लेंगे कैसा ठीक आ रहा है कि कैसा आ रहा है। आज फिर स्मोकी स्मोकी सा दिन लग रहा है मुझे। तो आज मेरे साथ फैसल भाई हैं, तो ये कह रहे थे कि बाइक पे वीडियो बनानी है, तो अभी वो शूट करने जा रहे हैं। मैंने कहा चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं और एक व्लॉग जो है वो भी बना लेंगे। ये देखो बस से क्या गिरा है, क्या गिरा है, धागे गिरे हैं, क्या गिरा है, पता नहीं कौन बैठा ऊपर, क्या फेंकी जा रहा है धागे, ऊपर से कोई धागे फेंकी जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पे। तो अभी हम लड़ी अड्डे के करीब हैं, तो आज काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे हुआ हुआ है। रक्शे बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, रिक्शा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सारी ट्रैफिक उनकी होती है, अगर यही रिक्शा एक बाइक पे हो तो काफ़ी रोड क्लियर हो, तो रिक्शों की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे। सर्दी लग रही है अभी, ठंडी ठंडी हवा, तो मैंने जैकेट पहनी नहीं रही। वाटर वाले रोकने लगे थे, मैं एक बार थोड़ा डर गया, मैं कह लो वाटर वाले मुझे रोकने लगे, तो पीछे पे वो गाड़ी थी उसे रोका उन्होंने, तो मैं डर गया, मैं कह पता नहीं मुझे रोकने लगे। तो अभी देखते हैं थंबनेल बनाएगा नहीं, नहीं तो यही थंबनेल लगा देंगे। मैं एक बार थोड़ा डर गया, मैं कह लो जी आज चलान हुआ ही हुआ। तो वैसे मैंने हेलमेट वगैरह पहना हुआ है, तो इतनी मसला नहीं था, मेरे पास कागजात हैं सारे, तो कोई इशू नहीं था। वैसे ही एक मरतबा होता है कि पार्टनर वालों ने कोई चीज़ निकाल लेनी होती है चलान करने के लिए, इसलिए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ हुए हैं ना वाकयात ऐसे। बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इंडिकेशन आ गया कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो अभी पेट्रोल इतना महंगा है, तो डर लगता है बढ़वाने में। कोई नहीं, बढ़वाना तो पड़ेगा, क्योंकि शौक भी तो पूरे करने हैं। अभी हमारा एक ट्रिप प्लान हो रहा है, तो सिर्फ बजट की वजह से वो अभी डिले हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला करीब ट्रिप करेंगे, तो आपको फिर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, तो कौन सा ट्रिप है। तो अभी फ़िलहाल वो डिसाइड हो रहा है, डिसाइड होगा कि कौन सी बाइक लेके जानी है, ये वाली लेके जानी है कि अपना 125 लेके जाना है, तो वो भी अभी डिसाइड करना है हमने। तो अभी डिसाइड हो रहा है, डिसाइड।
भी जी हमारी फोटोग्राफी जो करनी हो गई है, तो कैसा लगा इस बाइक चला के? मजा आया, और मजा इसका ये है इस पर राइडर भगा हो सकते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा मजा है। मैंने बाइक को रोड पे नहीं दी बाइक, मैं यहाँ पे सुनसान जगह पे लेके आ गया। मैं क्या पहली मरतबा चलाने लगे हैं, तो अपना शौक भी पूरा कर लेंगे और वीडियो भी बनानी थी उन्होंने, तो वीडियो भी बन जाएगी। अई माँ अभी ठुक जाते हैं, अभी ठुक जाते हैं। मेरी नज़र दूसरी तरह थी, तो ये भाई जान किधर से निकले आए हैं तो पता भी नहीं चला। काम चेक करें इस बंदे के, काम चेक करें, क्या बेवकूफ़ी है। मैं आप क्या लेक्चर देता रहा था, मैं बस बह रहा, या आप दे सकते हैं आप क्या होता है यहाँ पे पाकिस्तान। अभी पौने आठ हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिटिंग कर रहा था, तो बाइक राइड से वापस आ गया, तो मैंने ब्लॉग एडिटिंग कर लिया। तो अभी मैं जाके खाने लगा हूँ रात का खाना। तो अभी मैं खाने लगा हूँ जी लोबिया और साथ ये फ्राइड आलू है, तो ये मैं खा रहा हूँ अभी। तो आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो आज की वीडियो से इतनी सी, तो अभी तकरीबन हो गए हैं, तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो मैं अभी ब्लॉग फाइनल एडिट करके, तो अभी इंशाल्लाह मैं अपलोड करने लगा हूँ, सुबह 8 बजे तक आ जाएगा। तो अगर आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।